हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज की इस वीडियो में जो है हम डिसीज़न ट्री लर्निंग के बारे में बात करेंगे प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको क्लस्टरिंग के बारे में समझाया था कि बेसिकली क्लस्टरिंग होती क्या है और हम इस सीरीज के अंदर जो है करंटली कुछ प्रीवियस वीडियोस में और करंटली कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर टॉप सेवन मशीन लर्निंग अप्रोचेज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो यहाँ पे जो है हमने ए एन एन डेट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और क्लस्चरिंग के बारे में समझा था और आज हम जो है इसकी थर्ड मशीन लर्निंग अप्रोच को समझेंगे दैट इज डिसीजन ट्री लर्निंग अब डिसीजन ट्री लर्निंग जो है बेसिकली आपकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एक टाइप है अब कोई भी आप मशीन लर्निंग अप्रोच की बात करें किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की बात करें तो एट द एंड वो समराइज होगी हमारी तीन मशीन लर्निंग टेक्निक्स के अंदर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग तो कोई भी मशीन लर्निंग अप्रोच हो कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है कौन सी टेक्निक के अंदर आती है और यहाँ पे डिसीजन ट्री लर्निंग जो है वो हमारी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोदम के अंदर आती है और ये जो है हमारा रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए यूज़ की जाती है अब ये जो है काम कैसे करती है अब इसका काम करने का जो तरीका है वो सभी डिफरेंट हमारी जो मशीन लर्निंग अप्रोचेज़ है एल्गोरिज्म है उन सभी से अलग है इसके अंदर हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास डेटा होता है या जो भी हमारे पास इनपुट होते हैं हमारे डेटा सेट के उसको जो है ये कंसीडर करते हुए एक डिसीजन ट्री क्रिएट करती है जिसके अंदर जो है हमारे सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस को वो क्या करती है रिप्रेजेंट करती है और उनके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसिस जो हो सकते हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करती है तो एक डिसीज़न ट्री लर्निंग के डिसीजन ट्री के अंदर जो है बेसिकली दो चीज़ें होती हैं आपकी पहला होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ डिसीजनस यानी कि उसके अंदर हम कुछ नोट्स और चाइल्ड की फॉर्म में बात करते हैं और वो नोट्स और चाइल्ड जो है आपको सीक्वेंस ऑफ डिसीज़न और उनके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस की क्या आउटपुट हो सकते हैं उनको जो है वो डिसीज़न ट्री के अंदर शो करती है और उसके अंदर जो हर एक नोड होती है हमारी डिसीजन ट्री के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है डिसीज़न अब वो डिसीज़न जो भी होगा वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ़ इनपुट फीचर तो ये जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं इनपुट फीचर नोड डिसीज़न इन सभी को जो है अभी मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल शो करूँगा वहाँ पे ये सभी कॉन्सेप्ट आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे विदाउट एनी डाउट तो हमारे डिसीजन ट्री के अंदर जो है जो भी नोड होती है वो डिसीजन को शो करती है और वो डिसीज़न डिपेंड करता है या बेस करता है आपके वैल्यू ऑफ इनपुट फीचर पे और उन नोड्स की जो ब्रांचेस होगी वो रिप्रेजेंट करती है आपके पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट डिसीजन तो यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स हैं नोड और ब्रांच नोड आपके डिसीजन को रिप्रेजेंट करेगा और ब्रांच आपके पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करेगा और जो इसके अंदर लास्ट में हमारी लीव नोड्स होती हैं अब जनरली आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पड़ा होगा तो वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर से ही जो है ये हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज़ डिसीजन ट्री लर्निंग इंस्पायर्ड है और यहाँ पे डिसीजन ट्री लर्निंग के अंदर जो हमारी लीफ नोड्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है फाइनल प्रिडिक्शन को यानी कि लीफ नोड जो इसके अंदर होगी फाइनल प्रडिक्शन जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगी अब आप देखेंगे सबसे टॉप में हमारे पास डिसीज़न नोड है अब यहाँ पे जो भी आपकी नोड होगी वो कहलाएगी आपकी डिसीजन नोड और उसकी ये जो ब्रांचेज होंगी ये ब्रांचेज उसके पॉसिबल आउटकम्स को शो करेगी अब आप देखेंगे इस फर्स्ट डिसीजन नोड की जो सब ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी जो है आपकी क्या है डिसीजन नोड्स हैं और जब किसी भी एक नोड के अंदर दूसरी नोड होगी तो उसको हम बोलेंगे सब ट्री और सब ट्री का मतलब है इसके अंदर भी जो है आपकी मल्टीपल ब्रांचेज और नोड्स रहेंगी अब आप देखेंगे इस डिसीजन नोड की भी जो है यहाँ पे दो लीफ नोड्स अवेलेबल हैं और लीफ नोड हमें क्या शो करती है लीफ नोड जो है वो हमें दिखाती है कि ये जो है आपका फाइनल आउटपुट हो सकता है तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री लर्निंग का जहाँ पे हमने जो है एक प्रॉपर सिचुएशन ली कि हमें बताना था कि पर्सन जो है ओवर एज फोर्टी जो है वो हेल्दी है या नहीं है तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले दो कंडीशन आती है कि अगर वो ओवर फोर्टी है पर्सन यानी कि अगर उस पर्सन की एज मोर देन फोटी ईयर्स है तो वहाँ पे दो सीक्वेंसेस बनते हैं यस और नो के और अगर वो सीक्वेंस यस yes है तो ये जो है हमारे क्या बन गया पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस बन गया जैसा कि मैं बता रहा था डिसीज़न नोट जो है आपके डिसीजन को शो करेगी और ब्रांचेस आपके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस को शो करेगी तो अगर उस पर्सन की एज ओवर फोर्टी है तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन बनती है क्या वो फ़ास्ट फूड को कंज्यूम करता है तो अगर वो पर्सन फास्ट फूड को कंज्यूम करेगा तो यहाँ पे यस yes में एक और कॉन्सिक्वेंस बन गया और उसका आउटपुट हमें मिला अनफिट और अगर वो फ़ास्ट फूड कंटेन नहीं करता तो यानी कि उस पर्सन का एक कॉन्सिक्वेंस बन गया फिट तो यहाँ पे फिट और अनफिट ये दो ही हमारे कॉन्सेप्ट हो सकते थे एक पर्सन के अगर वो मोर देन फोर्टी ईयर्स है और अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ही फ़र्स्ट पॉसिबल आउटकम ही हमारी नो no हो जाती यानी कि अगर वो पर्सन ओवर फोर्टी ईयर्स का नहीं है तो यहाँ पे उसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है क्या वो पर्सन एक्सरसाइज करता है तो अगर वो पर्सन एक्सरसाइज करता है यस yes, देन उसका आउटपुट हमें मिलता फिट और अगर वो पर्सन का एक्सरसाइज का आउटपुट हमें मिलता नो no, देन हमारा आउटपुट होता अनफिट तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है हमारा डिसीजन ट्री लर्निंग का कि किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में वहाँ पे किस तरीके से हमारा डिसीजन ट्री क्रिएट होगा और डिसीजन ट्री के जो है बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बिकॉज़ ये क्या करता है आपकी प्रॉब्लम को जो है इंटरप्रेट करके विजुलाइज कर लेता है और हमें जो है डेटा प्रिपरेशन के लिए मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम जो है उस पर स्पेंड करना होता है अब आप देखेंगे इस इमेज के अंदर जैसा कि अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम समझाई तो ये प्रॉब्लम जो है आपके माइंड में ईज़िली विजुअलाइज़ हो गई कि बेसिकली इस प्रॉब्लम का आउटकम क्या होना चाहिए और हम क्या अचीव करना चाहते हैं और यही चीज़ जो है हमारा डिसीजन ट्री का एक एडवांटेज है अब बहुत सारी डिफरेंट एलगोरिदम्स है और डिसीजन ट्री लर्निंग की एल्गोरिदम्स के डिफरेंट वेरिएशन है अब कुछ इसके अंदर आती है हमारी जैसे कि कार्ट अब कार्ट का मतलब होता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज अब कार्ट जो हमारी एलगोरिदम है ये हमारी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों टास्क को जो है एक साथ परफॉर्म कर लेती है सेकंड इसकी आती है आई डी थ्री देट इज़ इटरेटिव डिकोटोमेजर थ्री और ये जो है हमारा आई डी थ्री के नेम से प्रोनाउंस किया जाता है और लास्ट आती है इसके अंदर हमारी सी फोर पॉइंट फाइव अब ये जो है हमारी डिसीजन ट्री लर्निंग दैट इज डी टी एल की कुछ मोर स्पेसिफिक या मैं बोल सकता हूँ वेरिएशन है इस एल्गोरिदम की जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ की जाती है फॉर द डिफरेंट परपसेज थैंक यू